जी बाग में हम आए थे तो यहाँ से सादिया ने कुछ यहाँ पे निकाला है। क्या है सादिया? ये कि एप्पल्स आए, अभी इतने नहीं बड़े बड़े हुए नहीं हुए हैं। तो जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं घर आया हूँ क्योंकि ईद उल अज़हा है, बकरा ईद, उस वजह से घर आए थे हम। 5-6 दिन की छुट्टी ले ली थी हमने, ऐसे ही लीव ले ली थी कॉलेज से फिलहाल। तो मैंने सोचा चलो कश्मीर के व्लॉग्स बनाते हैं आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैं जगह घूमता रहता हूँ, किसी जगह जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, जगह बहुत सारी जगह है, आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ कश्मीर का कल्चर भी हम शेयर करेंगे कि क्या करते हैं हम ईद पे, क्या नहीं करते और क्या दिन भर हम यहाँ पे क्या सीन चल रहता है, घर में क्या सीन चल रहता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ, क्या क्या सीन रहता है। बाकी इस टाइम मैं आ गया था अपने बगीचे में। ये रहा हमारा छोटा मोटा बगीचा, देखिए ये रहे एप्पल का छोटा सा पेड़ है। ये देखिए एप्पल्स आए, अभी उतने नहीं बड़े बड़े हुए नहीं हुए हैं, अभी बर्ड स्टेज से निकले ही है ताज़ा ताज़ा। और यहाँ से है ये, इसको शायद एप्रिकॉट का पेड़ है। ये देखिए, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यार भूल गया मैं, सॉरी, मैं आपको बाद में बोलता हूँ इसको क्या बोलते हैं। तो जी फिलहाल मैं इस टाइम यहाँ पे आया था क्योंकि कुछ काम चल रहा था यहाँ पे। वो देखिए, जो कि आपको पता ही होंगे, प्याज जो होते हैं वही हम निकाल रहे थे, उसके लिए हमने लाया था, ये बंदा लाया था जो कि निकाल रहा है, मज़दूर जिसको आप बोलते हो। तो ये हमारे भाई काम कर रहे थे धूप में। यहाँ पे भी वैसे गर्मी अच्छी खासी है आज। ये देखिए यहाँ से हमारा घर है, यहाँ पीछे और पीछे घर के पीछे ये बगीचा है, ये यहाँ से यहाँ तक, वहाँ तक हमारा है ये। बाकी जो असली वाला बगीचा है हमारा बाग, जहाँ पे पेड़ एप्पल के पेड़ दरख्त है, वो उस साइड से आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। बाकी फ़िलहाल मैं इसको अभी आया था चाय देने, यहाँ पे बाग में काम कर रहे हैं भाई हमारे। तो देखते हैं क्या क्या रहेगा आज दिन का सीन, आपके साथ शेयर करेंगे आज दिन का क्या सीन रहेगा। वैसे वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा आज, हमारे एरिया में क्या क्या आता है, क्या क्या जगहें हैं हमारे यहाँ। आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा इंशाल्लाह। तो जी चलो मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन रहेगा। सो जी गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के 11 दोपहर, हाँ, तो हम चाय पी रहे हैं इस टाइम, लिप्टन टी। ये सादिया है, हेलो सादिया, कैसे हो? और हम खा रहे हैं इस टाइम केक चाय के साथ, पता नहीं बाहर ये मिलता है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं केक, मैंने बाहर देखा नहीं वैसे ये चीज़। फिलहाल हम लिप्टन टी के साथ केक खाएंगे, सादिया और मैं, बाकी सारे सोए हैं यहाँ से मुंतज़र। प्यारी अम्मी अंदर काम कर रही है, सफाई चल रही है आज घर पे, देखिए क्योंकि ईद आ रही है, ईद के टाइम पे सफाई चलती रहती है। यहाँ से पूरा यहाँ वहाँ का सारा सामान यहाँ पे रखा है, इस टाइम पूरा रूम साफ कर रहे हैं, मम्मी कर रही है अंदर काम। तो ये चलो हम चाय पीते हैं, हमें कोई काम नहीं है, फिर आराम करते हैं, हम तो आराम करने आए हैं घर, है ना सादिया? फिर जाते हैं कहीं पे घूमने, फिर पार्टी शार्टी करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे क्या रहेगा सीन। बाय बाय। तो जी गाइज, अभी सादिया भी आई है मेरे साथ। सादिया कहाँ जाना है? हाँ बाग में, क्यों? हाँ यहाँ देखना, क्यों क्या लाना है वहाँ से? हाँ एप्रिकॉट पीच। ओ मुझे पता है, मुझे पता ही नहीं था कसम से। चेयर मैं गई मछती चेयरन क्या माना इंग्लिश पेट। अच्छा हाँ पीच, एप्रिकॉट होता है चनन, पीच होता है चेयर। तो जी गाइज, मेरी छोटी बहन ने बोल दिया, वरना मुझे तो भूल ही गया था क्या बोलते हैं इनको, चेयर को, मतलब हम कश्मीरी में बोलते हैं पीच को चेयर। दो किस्म की होती है पीच, बट चेयर एक होती है, दूसरी होती है सिंपल चेयर। अभी वो तैयार नहीं, पके तो नहीं है वो अच्छे से, लेकिन चलेगा, ऐसे ही खाएंगे राही। अभी जा रहे हैं हम फिर से बाग में क्योंकि हमें देना है कुछ सामान, देना है वहाँ पे उसको बंदे को। चलो जी चलते हैं। यहाँ पे निकाला है, क्या है सादिया ये? पता नहीं क्या बोलते हैं इसको कश्मीरी में, क्या कश्मीरी में क्या बोलते हैं? हाँ खशखाश। ये जो है ये ओपियम का प्लांट है, ओपियम बोलते हैं इसको, अफीम। तो हम कश्मीरी में इसको खशखाश बोलते हैं। ये जो फ्री नहीं होती है उसी के लिए यूज़ करते हैं हम, एज ए इंग्रेडिएंट उसके ऊपर डालते हैं टेस्टी बनाने के लिए। तो चलो सादिया घर चलते हैं अब, ठीक है? चलो जी अब चलते हैं घर, घर में कुछ काम है थोड़ा बहुत, क्योंकि ईद के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना है बाज़ार से,
फिर देखते हैं क्या क्या सीन रहेगा। वैसे आज प्लान बना है हमारा, हम जाएंगे एक जगह है बाबगुंड, वहाँ पे हम नहाने जाएंगे। वहाँ पे रिवर है, छोटा मोटा छोटा सा रिवर है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे नहाने। मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं मेरे साथ। उस जगह का नाम है बाबगुंड, शिरपुरा एरिया में आता है। तो चलो देखते हैं क्या रहेगा सीन, बाकी देखते हैं आगे आगे क्या रहेगा, आपके साथ शेयर करेंगे। ये लो खाओ आइसक्रीम, ये लो खाओ आइसक्रीम, घर पे खाओगे ठीक है। और सो जी गाइज, अभी आया हूँ मैं यहाँ पे बाबगुंड एरिया, इसको बोलते हैं शिरपुरा में। तो जी हम आए थे यहाँ पे नहाने, गाइज अभी आए हैं यहाँ पे, छोटा सा रिवर है। बाबगुंड किसको क्या बोलते, यह था मतलब स्नान करना, नहाने को नहाना बोलते, नहाना मतलब यह था, क्यों था मना। तो जी ये देखिए गाइज, छोटा सा रिवर है यहाँ पे, फोर्स इसका अच्छा खासा है। ये पानी जो है ये गुलमर्ग टंगमर्ग से आता है पानी, गुलमर्ग के पहाड़ों से पानी आता है, फिर टंगमर्ग हो गुजर के यहाँ पे आता है। ये देख सकते हैं आप, इस एरिया को बाबगुंड बोलते हैं। तो जी हम आए थे ऐसे ही, हमने भी सोचा चलो वाइब एंजॉय करते हैं, ठंडे पानी से नहा के आते हैं, मज़ा आ जाएगा। बहुत गर्मी है, गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे नहाने में अलग ही मज़ा आता है। रिवर में थोड़ा सा स्विमिंग भी करेंगे, दिल्ली में तो ऐसा पानी है ही नहीं, इसलिए साफ़ सुथरा हो जाएंगे। तो जी चलो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के नहा रहे हैं ऑलरेडी। तो जी हम भी जाते हैं, थोड़ा मज़े करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद, देखते हैं क्या क्या रहेगा सीन, आपके साथ शेयर करेंगे। गाइज अभी अभी मैं आया था मार्केट से वापस, काम शाम कर लिया और हम घूमने भी गए थे, वहाँ से भी आ गए हम गए थे बाबगुंड शिरपुरा। अभी हम चाय पी रहे हैं, ये नून चाय विथ तंदूरी रोटी, इसको सचूर बोलते हैं कश्मीरी में, कशिर पर चूर वनान उर्दू में, तो आपको पता उर्दू क्या हिंदी में हम पता नहीं क्या बोलेंगे हम हिंदी में इसको, वहाँ तो मिलता ही नहीं है बाहर दिल्ली में। ये मेरे साथ सादिया भी है, सादिया क्या कर रहे हो थे आज दिन भर, अच्छा कल जाना है स्कूल, ओके अच्छा क्या कर रही थी, इनके साथ खेल रही थी फ्रेंड्स के साथ, हाँ। चलो ठीक है, ईद के लिए कपड़े लाए, हाँ। चलो ओके, इस टाइम मेरे लिए ईद के लिए साजा ने कपड़े लाए हैं, लाया ना, चलो जी पी लो चाय, हाँ हाँ आसाद रहा था। तो जी गाइस अभी हम पी रहे हैं नमकीन चाय, रोटी मैंने खा ली है, इस तंदूरी रोटी विद बटर, चलो पीते चाय। तो जी गाइस अभी हम जा रहे हैं फिर से बाज़ार, क्योंकि ये जाती है ट्यूशन बाज़ार। और किस सर के पास जाते हो, फारूक सर, तो ये जाती है ट्यूशन पढ़ने, इसको सर के पास ले जाना है ट्यूशन, फिर मिलते हैं उसके बाद। यार सादिया ज़रा इसमें बताओ क्या पढ़ते हो आजकल आप, ओलंपियाड का मैं कंपटीशन कर रही हूँ उसमें, वही वाली बुक पढ़ रही हूँ। ओके ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हाँ बस ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी चलो हम जाते हैं ट्यूशन इसको छोड़ने, फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो जी गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो खाना अभी अभी खा लिया हमने, तो आज सब्जी थी, साग था, दाल थी और चिकन था, और भी कुछ सब्जी थी और अचार था हमारा कश्मीरी टाइप का अचार, और लस्सी थी। बाकी आज दिन भर बहुत थक गए क्योंकि मार्केट जाना पड़ा, आना पड़ा, तो बार बार जाना पड़ा 5-6 बार, क्योंकि सामान लाना था ईद के लिए इस वजह से। तो बाकी आप लोगों को मैंने दिखाया क्या क्या सीन रहा आज दिन का, वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं कल किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।